नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। आईपीएल 9 के पहले मैच का आयोजन आज वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। इस पहले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का मुकाबला रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस होगा। आईपीएल की दो कामयाब टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दो साल के लिए निलंबित हैं। उनकी जगह दो नई टीमें पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लॉयंस ने ली है। आरपीएसजी ग्रुप की सुपर जायंट्स के पास आईपीएल के सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग है। आईपीएल 9 का आगाज आज से शुरू हो गया है। ऐसे में मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि लंबे समय से चोट से जूझ रहे श्रीलंका के करिश्माई बॉलर लसित मलिंगा आईपीएल 9 के कुछ शुरुआती मुकाबलों में शायद ही खेल पाए। मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने बताया कि घुटने की चोट के कारण मलिंगा का 9वें सीजन की शुरुआत में खेलना संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि टीम पहले 5 मैचों में उनके बिना खेलने उतरेगी और फिर इसके बाद उनके चोट की स्थिति को देखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। वेस्ट इंडीज के सुनील नारायण के गेंदबाजी एक्शन को आईसीसी ने मंजूरी दे दी है, जिससे वो अब अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजी कर सकते हैं। उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने इससे राहत की सांस ली है। आईसीसी ने इसकी पुष्टि कर दी। सुनील के एक्शन की दोबारा जांच में पाया गया कि गेंद डालते समय उनकी कोहनी आईसीसी द्वारा निर्धारित 15 डिग्री की सीमा के भीतर मुड़ रही है। जस्टिस एमएल लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट लागू करने को लेकर बीसीसीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आगे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर बोर्ड को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि बोर्ड बताए कि वो बदलाव को तैयार है या नहीं। सोमवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। बीसीसीआई की ओर से कहा गया है कि वो एक प्राइवेट बॉडी है और रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देते हैं। वो सोसाइटी एक्ट में आते हैं और इसके तहत उसमें प्रस्तावित संशोधन नहीं किए जा सकते और कोर्ट इस तरह के आदेश जारी नहीं कर सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। याद रखें, शीघ्र उपचार जान बचाएगा, विलंब घातक होगा। हमारी जिंदगी हमारी।